4 जून 2018 हिंदी जीके एवं करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तरी। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इनकट गुरु। एक, 2018 ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हो रही है? दक्षिण अफ्रीका। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक 4 जून 2018 सेकंड दक्षिन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हुई है। बैठक में समूह के 2018 वार्षिक शिखर सम्मेलन की नींव रखने की उम्मीद है जो जोहान्सबर्ग में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता सुषमा स्वराज द्वारा की जा रही है। इसके अलावा श्रीमती स्वराज IBCA भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे जो प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर तीन देशों के बीच समन्वय को गहरा बनाने के लिए काम कर रहा है। वह ऐतिहासिक घटना की 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला में भी भाग लेंगे जहां 1893 में पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन महाद्वीप से एक युवा महात्मा गांधी को फेंक दिया गया था। यह घटना दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ महात्मा गांधी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। दो, गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के 49वें सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन एजेंडे पर चर्चा की जाएगी? एक, स्वच्छ भारत अभियान। दो, आंतरिक विकास। तीन, स्किल डेवलपमेंट। एक्सप्लेनेशन, गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 49वीं बैठक 4 जून 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शुरू हुई है। दो दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रपति के उद्घाटन के बाद शुरू हुआ। इसमें स्वच्छ भारत अभियान, आंतरिक विकास, स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयगत मुद्दों पर चर्चा होगी। गवर्नर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के तरीके पर विचार विमर्श करेंगे। तीन, स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? पेड्रो सांचेज। एक्सप्लेनेशन, पेड्रो सांचेज स्पेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उन्होंने 1 जून को स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप शपथ ली है। पूर्व प्रधानमंत्री मारियानो राजोए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1977 में देश को लोकतंत्र में स्थानांतरित करने के बाद से सांचेज स्पेनिश संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेने के लिए शपथ ग्रहण करने वाले पहले स्पेनिश प्रधानमंत्री बने। वह संसदीय कार्यकाल के शेष 2 वर्षों को देखने की योजना बना रहे हैं। चार, मिस्र के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? अब्देल फतह अल सीसी। एक्सप्लेनेशन, अब्देल फतह अल सीसी दोबारा 4 वर्ष के लिए मिस्र के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनके देश को आर्थिक और सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मार्च राष्ट्रपति चुनाव में 97% मतों से चुनाव जीता। पांच, भारत की पहली उन्नत DNA फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जाएगी? चंडीगढ़। एक्सप्लेनेशन, महिला एवं बाल विकास मंत्री WCD मेनका गांधी ने चंडीगढ़ के केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब के परिसर में भारत की पहली उन्नत DNA फोरेंसिक प्रयोगशाला सखी सुरक्षा की आधारशिला रखी है। यह निर्भया फंड से 99.76 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अत्याधुनिक प्रयोगशाला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों की जाँच और अभियोजन पक्ष में सहायता करेगी। यह देश में लंबित यौन हमले के मामलों के फोरेंसिक DNA विश्लेषण में अंतर को संबोधित करने में योगदान देगा। 6, सेव द चिल्ड्रन की एंड ऑफ चाइल्डहुड सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या है? 113। एक्सप्लेनेशन, वैश्विक बच्चों के अधिकार के लिए समूह सेव द चिल्ड्रन की एंड ऑफ चाइल्डहुड सूचकांक 2018 में भारत ने 175 देशों में 113वीं रैंक प्राप्त की है। सूचकांक जो द मेनी फेसेस ऑफ एग्जीक्यूशन नामक रिपोर्ट का हिस्सा है ने संकेत दिया कि भारत में बाल विवाह 2017 में 21.1% से घटकर 15.2% हो गया है। हालांकि
सूचकांक से पता चलता है कि 5 से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन 43 थी, जो चिंता का कारण है। इंडेक्स खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, शिक्षा से बहिष्कार, बाल श्रम, बाल विवाह, प्रारंभिक गर्भावस्था और चरम हिंसा के परिणाम स्वरूप बचपन को खतरे के आधार पर है। इसमें सिंगापुर और स्लोवेनिया पहले जबकि नाइजीरिया अंतिम स्थान पर रहे। 7. भारतीय नौसेना ने हाल ही में चक्रवात से ग्रसित सोकोत्रा द्वीप से 38 फंसे भारतीयों को बचाया है। यह द्वीप कहां स्थित है? यमन। एक्सप्लेनेशन। 3 जून को भारतीय नौसेना ने यमन के सोकोत्रा द्वीप में फंसे 38 भारतीयों के बचाया है, जो मेकुमु नामक चक्रवात के क्षेत्र से टकराने के बाद 10 दिनों से वहां फंसे हुए थे। भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन को NISTAR नाम दिया। ये सभी भारतीय INS सुनैना से भारत आए। निकाले गए भारतीयों को तत्काल चिकित्सा देखभाल, भोजन, पानी और टेलीफोन सुविधाओं के साथ घर पर अपने परिवारों को फोन करने दिया गया। सोकोत्रा द्वीप को अरब सागर में जैव विविधता का गहना माना जाता है और 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में पहचाना जाता है। यह पृथ्वी की सबसे अलग भूमियों में से एक है और यहाँ के वृक्षों में से एक तिहाई और कहीं नहीं पाए जाते। उनमें से ड्रैगन के रक्त वृक्ष प्रमुख हैं। 8. तीसरा एशिया कप अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज चैंपियनशिप 2018 किस देश में आयोजित होगा? भारत। एक्सप्लेनेशन। तीसरे एशिया कप अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज चैंपियनशिप 2018 का आयोजन 4 से 11 जून 2018 तक भारत के गोवा में होगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चीन, जापान, कोरिया की भागीदारी होगी। इसमें 5 श्रेणियां पुरुष, महिला, मिक्स्ड, सुपर मिक्स्ड, सीनियर होंगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चीन, हांगकांग, चीनी ताइपाई, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड से खिलाड़ी भाग लेंगे। राउंड रॉबिन मैच 5 से 8 जून को खेला जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में 4 शीर्ष टीम नॉकआउट चरण में प्रगति करेंगी। 9 जून को सेमीफाइनल खेला जाएगा। तीसरे स्थान के लिए फाइनल और प्लेऑफ 10 जून को खेले जाएंगे। 9. टिमोथी पेरेरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? फुटबॉल। एक्सप्लेनेशन। टाटा FC के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी टिमोथी पेरेरा का 1 जून 2018 को 75 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वो 1967-68 में देश के लिए खेले। पेरेरा ने हॉकी भी खेली और स्थानीय लीग में कैथोलिक जिमखाना का प्रतिनिधित्व किया। 10. नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सागर, दामोह, नरसिंहपुर, रायसेन जिलों में फैला हुआ है। यह 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसमें टीक, सजा, धावड़ा, साल, तेंदु के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर बंगाली बाघ, भारतीय तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ते, बंगाली लोमड़ी, सुनहरी सियार, भालू, मगरमच्छ आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। थैंक्स।